फ्रेंड्स, माय सेल्फ मोहम्मद रूस। आज आप लोग का स्वागत है अपने फ्लूड मैकेनिक्स लेक्चर में, लेक्चर नंबर फोर्थ। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। बेसिकली ये डिफिनेशन यहाँ पे सरफेस टेंशन की ये कह रही है कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विथ अ गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स सच दैट द कॉन्टेक्ट सरफेस बिहेव्स लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया है एज अ टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स जो कि एक्ट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विथ अ गैस और एन इम सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। इसका क्या मतलब कि टेंसाइल फोर्स जो एक्ट हो रहा है सरफेस पे किसी लिक्विड के जो कांटेक्ट में है गैस के साथ, या फिर सरफेस पे बिटवीन किसके दो इमिसिबल, इमिसिबल मतलब वो इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है वो लिक्विड जो मिक्स नहीं हो सकते, मीन्स एक सिंगल फेज नहीं फॉर्म कर सकते, उनको इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। मतलब दोनों सेपरेटेड हैं, मतलब सेम नहीं। तो किसके बीच में होगा, सरफेस ऑफ लिक्विड कॉन्टेक्ट विद गैस या फिर दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है इस तरीके से सच दैट जो कॉन्टेक्ट सरफेस जो है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो बिहेव कर रही है मेम्ब्रेन की तरह अंडर टेंशन, टेंशन में मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो मैग्नीट्यूड होता है इस टेंसाइल फोर्स का पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन और कोफिशियंट ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, अब सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं हम लोग सिंबल, ग्रीक सिंबल सिग्मा से। ओके, और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अब देखिए सरफेस टेंशन में जो टॉपिक्स हैं ये हैं, पहला टॉपिक सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन एक लिक्विड ड्रॉपलेट के ऊपर। कंसीडर करिए एक स्मॉल स्पेरिकल ड्रॉपलेट है ऑफ लिक्विड, लिक्विड का एक स्मॉल स्पेरिकल ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस है r ऑन द एंटायर सरफेस। अब पूरे जो सरफेस है लिक्विड का, जो ड्रॉपलेट का जो सरफेस है पूरा, उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ओके, सरफेस टेंशन विल बी एक्टिंग, कर टेंसाइल फोर्स लग रहा है किसके वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो उसके ऊपर एक्ट हो रहा है। तो सिग्मा क्या हो गया, सरफेस टेंशन, और पी क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट, जो पी है। अब ये देखिए जो पी है, जो प्रेशर है, ये प्रेशर इंटेंसिटी है इनसाइड अ ड्रॉपलेट, सर मतलब ड्रॉपलेट के अंदर की इंटेंसिटी है ना। ये नोट कर लेगा कि इन एक्सेस ऑफ द आउटसाइड प्रेशर इंटेंसिटी। ओके, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, आर क्या है, रेडियस है ड्रॉपलेट का। तो अगर से हम लोग ड्रॉपलेट को दो हिस्सों में काट दें, अगर दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें, तो फोर्स जो एक्ट करेंगे हाफ पार्ट पे वो क्या होंगे, पहला फोर्स क्या होगा, टेंसाइल फोर्स जो कि सरफेस टेंशन को लग रहा है, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द कटेड पोर्शन इज इक्वल टू सिग्मा इनटू सरकमफ्रेंस। जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के वजह से अराउंड द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के अराउंड किसके, जो कटेड पोर्शन है ड्रॉपलेट के उसके सरकमफ्रेंस के अराउंड जो लग रहा है सरफेस टेंशन उसे टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। अब ये सरकमफ्रेंस जो हम लोग सर्कल के ड्रॉपलेट को जब हम लोग काटेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, सर्कुलर फॉर्म में आएगा। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr। तो टेंसाइल फोर्स कितना हुआ, सिग्मा इंटू 2πr। अब दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, प्रेशर फोर्स लग रहा है। अब ये जो कटेड पोर्शन है इसके ऊपर प्रेशर फोर्स लगेगा, तो प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो प्रेशर फोर्स कितना हो गया, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। कह रहा है अंडर इक्विब्रियम, अगर ये दोनों इक्विब्रियम में होंगे तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है इक्वल होंगे, और क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तो क्या हो गया, पी इंटू, तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि टेंसाइल जो फोर्स हो गया वो टेंसाइल जो फोर्स हो गया ये जो टेंसाइल फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा किसके, प्रेशर फोर्स के। तो P इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr। तो P अगर यहाँ से निकालेंगे प्रेशर तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2πr अपॉन में पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे ये R है, तो एक R कैंसिल हो गया।
तो आपका फॉर्मूला कितना आया, P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टू बाई आर, तो P इज इक्वल टू कितना होगा, टू सिग्मा अपॉन में आर। अगर इसको हम डायमीटर के फॉर्म में लिखे हैं तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू सिग्मा अपॉन में डी बाई टू। ओके, तो टू सिग्मा अपॉन में डी बाई टू हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डायमीटर के फॉर्म में लिखे तो ये नीचे का जो डायमीटर वाला टू जो है वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फोर सिग्मा अपॉन में डी। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, अगर हम लोग रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। ओके, अगर हम प्रेशर को, अगर रेडियस को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर की जो इंटेंसिटी होगी, प्रेशर इंटेंसिटी वो डिक्रीज होगी। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कम टू नो दैट डिक्रीज इन रेडियस, अगर रेडियस में क्या डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि रेडियस अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीजेज, ड्रॉपलेट इंक्रीजेज। हाँ, तो सेकेंड टॉपिक जो है वो क्या है, सरफेस टेंशन ऑन अ हॉलो बबल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस टेंशन किसके ऊपर, लिक्विड ड्रॉपलेट के ऊपर। तो लिक्विड ड्रॉपलेट अंदर से भी लिक्विड इसके अंदर फील होगा, तो उसका फॉर्मूला आपका आया था प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू टू सिग्मा अपॉन में आर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके, हॉलो बबल के बारे में। ओके, हॉलो बबल क्या होगा, अंदर से हॉलो होगा, नाम से पता चल रहा है। तो हॉलो बबल के एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए सोप बबल हो गया। अब ये सोप बबल जो है ये अंदर से भी खाली, इसके अंदर हवा भरी हुई है, बाहर से भी हवा भरी हुई है। तो इसमें देखो यहाँ पे कह रहा है दो सरफेस कांटेक्ट में है, किसके, एयर में। और जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो मैंने, हमने बताया था सरफेस टेंशन के डिफिनेशन से कि टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है सरफेस में लिक्विड के जब वो कांटेक्ट में होती है किसके, एयर के। तो यहाँ पर दो आउटसाइड से भी कांटेक्ट में है और इनसाइड से भी कांटेक्ट में है, तो इसका जो सरफेस टेंशन जो होगा वो दोनों तरफ से लग रहा है। तो इसका टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, टू इंटू सिग्मा इंटू टू पाई आर। ओके, और प्रेशर फोर्स क्या होगा, वही सेम होगा, तो ये क्या आ जाएगा, पाई इंटू पी इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तब इसको अगर ये इक्विबिलियम में रहेंगे तो वही सेम कंडीशन होगी कि इक्वल भी होंगे और अपोजिट भी होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, आपका टेंसाइल फोर्स के। तो यहाँ से पी इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू सिग्मा इंटू टू पाई आर। तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टू इंटू सिग्मा इंटू टू पाई आर अपॉन में पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या आ गया, पी इज इक्वल टू फोर सिग्मा अपॉन में आर। अगर इसी को डायमीटर फॉर्म में लिखेंगे तो आर को कैसे लिख देंगे हम लोग, डी बाई टू के फॉर्म में, और ये जो टू है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एट सिग्मा अपॉन में डी। अब लास्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या है, लिक्विड जेट के ऊपर सरफेस टेंशन। और एक बात कहनी है, अगर आपको वीडियो समझ में आता हो, लेक्चर समझ में आ रहा हो, नोट्स अच्छे लग रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, और कोई भी डाउट हो तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट थंबनेल में दिया हुआ है, उस पर आप जा करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल में। ओके, तो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है, सरफेस टेंशन ऑन ए लिक्विड जेट। कंसीडर अ लिक्विड जेट ऑफ डायमीटर डी। कंसीडर करिए एक लिक्विड जेट है जिसका डायमीटर क्या है, डी है, और लेंथ क्या है, एल। ओके, तो ये आपको सिलेंडर फॉर्म में दिख रहा हुआ है, इसका लेंथ क्या है, एल है, और इसका डायमीटर क्या है, डी है। तो अब देखिए, लेट पी इज द प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट। अब ये लिक्विड जेट के इनसाइड की प्रेशर इंटेंसिटी दी है, पी क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी है इनसाइड द लिक्विड जेट अबव द आउटसाइड प्रेशर, जो कि ज्यादा है अबव द आउटसाइड प्रेशर। कह रहा है सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है लिक्विड का। कह रहा है कंसीडर करिए कि जब ये इक्विबिलियम में है और इस जेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तो एक पार्ट इस टाइप का दिखेगा, एक पार्ट ये पार्ट है। ओके, जिसको जब हाफ में डिवाइड कर दिया गया तो अब जो फोर्स प्रेशर से फोर्स निकलेगा वो क्या आएगा, लेकिन ये सरफेस है इसका, तो हम लोग क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू एरिया ऑफ सेमी जेट, जो हाफ जेट है उसका एरिया इंटू प्रेशर। तो पी इंटू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसमें क्या दी है, एल, और ब्रेथ क्या है, इसका डायमीटर जो है वो डी हो गया। ओके, तो प्रेशर क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या हो गया, पी इंटू एल इंटू डी। और देखिए यहाँ पर अब सरफेस टेंशन जो है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, अब जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन द्वारा, जिसको टेंशन फोर्स बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू टू एल, इसकी ये लेंथ इस पर और इस लेंथ पर, ये एक लेंथ एल है, ये एल है, तो कितने हो गए, ट्वेल्व, तो सिग्मा इंटू ट्वेल्व। तो अब सेम वही, एक इक्विलिब्रियम में है, इक्वल रहेंगे भी अपोजिट भी रहेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स।
तो P into L into D is equal to sigma into 2L, तो P is equal to क्या हो जाएगा sigma into 2L upon में L into D, ये सिंपल आपका फॉर्मूला आ गया। थैंक यू, आपका ये सरफेस टेंशन खत्म हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।